एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना होने लगी थी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती। और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती, वह चुड़ैल उसकी चोटी काट कर वहां से चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन, अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो, पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पे चली गई तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा, ये बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चोटी कट गई तो फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर भीमा वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? अरे मर गई रे, इसने तो मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर वहां से उड़ जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों भाग कर आ गई? देखिए ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट दी और ना जाने अंधेरे में कहां गायब हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? उसने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया ना? फिर वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर मीना की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर भीमा को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है। अरे सुमन, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। अरे भाई मोहन, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं भीमा भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, सुषमा भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर भीमा वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर भीमा सो रहा होता है, अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है, वह इधर उधर देखने लगता है। सुमन कमरे में नहीं होती, वह बहुत डर जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये चुड़ैल तो मेरी चोटी काट कर ले गई। हाय, मैं तो लुट गई। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया है, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वह भाग कर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काट कर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वह वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है।
जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सुमन अपने बालों को सहला रही होती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सुमन, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काट ली, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। सुमन के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये क्या सुमन, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए, ये कैसे हो सकता है? भीमा सुमन के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन सुमन के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है तब तब भीमा की पत्नी के बालों की लंबाई बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है भीमा की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। भीमा उन सारे गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर वह अपने दोस्त मोहन के पास मदद मांगने जाता है। मोहन भाई, मुझे लगता है सुमन ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? भाई, जब जब किसी की चोटी कटती है तब तब सुमन की बालों की लंबाई बढ़ जाती है। और कल जब चुड़ैल का हमला हुआ तब सुमन अपने बिस्तर पर भी नहीं थी, फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना, फिर जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं छुप जाना, फिर हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर। फिर वे दोनों भीमा के घर आ जाते हैं और मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर भीमा सोने का नाटक करता है, तभी सुमन उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। भीमा भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई है। सुमन थोड़ी दूर जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। भीमा और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीमा भाई, तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल निकली। मोहन भाई, अब क्या करें, ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आज ये फिर से किसी की चोटी काट लेगी। लेकिन भीमा भाई, भाभी सबकी चोटियां क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तू अपनी भाभी से मिलेगा तो पूछ लियो। चलो इसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर एक घर पर पड़ती है और वह उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। भीमा भाई, भाभी तो एक घर में घुस गई, आप क्या करें? अरे बेवकूफ, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है, इस वक्त वो तेरी भाभी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं, आज से ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और मोहन वहाँ पहुँच जाते हैं। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐ चुड़ैल, वहीं के वहीं रुक जा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। देखो सुमन, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। ऐ मूर्ख इंसान, मैं कोई तेरी सुमन नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, बस मुझे थोड़े और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। भीमा भाई, तुम इसे बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है। तभी मोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया, मेरे सारे कुए कराए पर पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सुमन चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गई। मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। भीमा भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।